मनोज ने उधर से बोला, सुप्रभात जी क्या बकवास कर रही हैं आप? जानकी ने कहा, साफ साफ सीधे सीधे क्यों नहीं कही, कुछ कहिए वरना दरवाजा खुला उल्टे पाओ लौट जाइए। सुप्रभा ने कहा, तो सुनिए फिर, आपका जो बंबई वाला पोता है ना मानस, शादी की पहली रात ही मौली को छोड़कर टहलने निकल गया था। बहन, शादी की पहली रात को ही कोई बहुत बड़ी कमी पता चली होगी उसे, जो मौली को आनंद फानंद में छोड़कर चला गया। उधर से आवाज आई, मनोज की बस कीजिए, मेरी बेटी जैसी बहू है उसके बारे में ये फालतू की बातें मत करिए, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें और मैं ये घटियापन बर्दाश्त नहीं करूंगा। मां, उनके बीच जो भी थोड़ी बहुत अनबन है वो पति पत्नी के बीच की बात है यार, उसमें इन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा जी, उस लड़की का नाम अनबन है? हाँ, क्योंकि हमें तो लग रहा है आपके मानस और मौली के रिश्ते के बीच वो लड़की है। विक्की, जरा फोन निकाल बेटा, फोन निकाल, हम कहीं गलत तो नहीं कह रहे, दिखा दे इनको भी वाइड और देखा, फोन निकाला और देखा शॉक, सर देखा मानस है गाड़ी में आशना के साथ और उसके साथ देखा सोम, लुक निकाल लिया आपने, आ जाए नहीं देख पा रहे कि पैन तभी देखा, उधर से सुप्रभा भी देखी वीडियो, हाय 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 हाय, मानस और मौली के बीच तो पति पत्नी वाला रिश्ता बना ही नहीं। जानकी जी, इनके शहजादे तो शादी की रात ही आशना राम की चिड़िया के साथ पुर हो गए। विक्की ने भी कहा, मैंने पता कराया है, आशना के साथ मानस उज्जैन में ही है। क्या? और दोनों किसी काम से आए हैं और एक होटल में कमरे में एक साथ रहते हैं, और अब साथ में रहते हैं तो चिड़िया और तोता और थोड़ी खेलते होंगे, है कि नहीं? पता नहीं क्या क्या करते होंगे, भगवान जाने, है ना मां?